जो दंगे से प्रभावित लोग हैं, जो दंगे से पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों की मौत हो गई है, उनको हरेक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। इतना पछाड़ कर रखा है, हमने अपनी आग लगा रखी है, सब ये देखिए, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो हो गया सो हो गया। भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है और कोर्ट से जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। नागरिकता संशोधन एक्ट के नाम पर दिल्ली में हुई हिंसा अब थम गई है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर अब भी दहशत का माहौल है। हिंसा के बाद का मंजर दिल्ली वालों को डरा रहा है। गुरुवार रात तक हिंसा में मारे जाने वालों का आंकड़ा 39 तक पहुंच गया, जबकि सैकड़ों की संख्या में घायल हुए। दिल्ली सरकार की ओर से गुरुवार को हिंसा के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि राज्य सरकार हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों का खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बार ये कहा भी है कि इसमें सबका नुकसान हुआ है, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ, हमारे पुलिस के भी बहुत सारे कर्मचारी जो हैं, पुलिस वाले जो हैं, वो ज़ख्मी हुए। एक पुलिस हेड कांस्टेबल रतनलाल जी की मौत हो गई, एक आईबी ऑफिसर की मौत हो गई। तो इस किस्म की घटनाओं का, इस हिंसा का से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। जो दंगे से प्रभावित लोग हैं, जो दंगे से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के राहत के लिए और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कई सारे कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। तो फरिश्ते स्कीम जो दिल्ली सरकार की एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए थी कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम है और उसको आप, वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है तो उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, उस फरिश्ते स्कीम को राइट अफेक्टेड लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया है। अब जो भी लोग अपना इलाज, राइट अफेक्टेड लोग जो हैं, जो अपना इलाज, उसमें हमने क्राइम इन्फेक्टेड अफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो हॉस्पिटल को रीइंबर्समेंट दिल्ली सरकार कर देगी, उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हरेक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशे और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा। सब कुछ सामान्य होने के बाद सरकार की तरफ से जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सौंपा गया। ये बात अटपटी इसलिए भी लगती है कि जब पूरी कैबिनेट दिल्ली में बैठी है, बीजेपी के सारे प्रमुख लोग दिल्ली में हैं, प्रधानमंत्री से लेकर म्यूनिसिपैलिटी के पार्षद तक दिल्ली में हैं, तब आम लोगों के बीच जाने का जिम्मा उस व्यक्ति को क्यों सौंपा गया जिसका जनता, वोट और लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का काम खुफिया एजेंसियों से तालमेल बिठाना और प्रधानमंत्री को सलाह देना होता है, ना कि दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करके लोगों को समझाना बुझाना। सवाल ये भी उठता है कि खुद गृह मंत्री कहाँ हैं? जब दिल्ली में चुनाव थे तब अमित शाह ने तकरीबन हर इलाके में रैली की, घर घर जाकर लोगों से मिले, पर दिल्ली में दंगा होने के बाद वह कहाँ है? अमित शाह ने दिल्ली में हिंसा को लेकर 3 बैठकें बुलाई, पर अभी तक अमित की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।
अजीत डोवाल जहां हिंसा हुई उन इलाकों में गए, हालातों का जायजा लिया और लोगों को आश्वासन देते हुए कहा जो हुआ सो हुआ। उतनी आवाज में बात करो जिसकी मुझे देखो ऐसा है कोई करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी शक्ति आप लोगों की अपनी उसकी शक्ति होती है, आप लोग पड़ोस में रहते हैं प्रेम से रहते हैं, इनके साथ में भाई बहन के साथ में रहना था प्रेम से रहना। सर हम तो बहुत संयम बनाए हुए हैं, बना रखा है, पुलिस फोर्स यहाँ पर कानून मेंटेन करने के लिए है, किसी को ना कोई डरने की जरूरत है ना कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत है। सर हम भी 20-20 दफा फोन करते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कॉल हमारे यहाँ से होती है 100 नंबर पर। देखो इतना पसार कर रखा है इन्होंने, हमने अपनी आग लगा रखी है, देखिए अब जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा जो हो गया है वो तो कुछ नहीं कर रहा, बस अपनी सपोर्ट में खड़ा है, कोई इधर हो रहा है कोई इधर हो रहा है, ये इससे बंदूक को तो फायर कर रहे हैं। वहीं साल 2019 में जब कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने 1984 के दंगों पर पत्रकारों के सवाल पर कहा था कि जो हुआ सो हुआ, इस पर मेनस्ट्रीम मीडिया में बवाल मच गया था। अब क्या है 84 का, बात तो करिए आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए, 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। पर अब वो मीडिया कहाँ है जो उस वक्त सैम पित्रोदा की आलोचना कर रहा था। 2002 में गुजरात दंगों के समय वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एक भाषण में मोदी की हाजिरी में वाजपेयी ने ही राजधर्म के पालन की बात कही थी, तब उन्हें मोदी ने आश्वासन दिया था कि हम राजधर्म का पालन कर रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें, राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस मुरलीधर का पंजाब में हरियाणा उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिन पहले ही उनके ट्रांसफर की सिफारिश की थी। न्यायाधीश मुरलीधर दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे थे और ये अधिसूचना इसी दिन जारी की गई जब उनकी अगुवाई वाली पीठ ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर 3 भाजपा नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट के कलजियम ने जस्टिस एस मुरलीधरन के तबादले को लेकर 12 फरवरी को ही सिफारिश कर दी गई थी, लेकिन उनका तबादला अब रातों रात क्यों हुआ, इस पर कांग्रेस भी सरकार पर जमकर हमला कर रही है। पूरे देश ने देखा कि कल 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के जज जस्टिस एस मुरलीधर व जस्टिस तलवंत सिंह जी ने दंगा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका को पहचान कर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। आखिर में दोनों न्यायाधीशों को वो वीडियो कोर्ट में दिखाने पड़े और कोर्ट में देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दलील ये थी कि भाजपा के नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने के मुकदमे दर्ज करने के लिए उचित समय नहीं है। जस्टिस एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि कल तक यानी आज तक 24 घंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप। परंतु हुआ क्या,
रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। पूरा देश अचंभित है, लेकिन मोदी शाह जी की सरकार दुर्भावना, कुत्सित सोच एवं निरंकुशता से ग्रस्त है। कि कितनी चालाकी से इस देश में गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है और कोर्ट से जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। खुलेआम लोगों को भड़काने वालों के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाता है और जब एफआईआर करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय देती है तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश के भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे 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 लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनकर इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आप देखिए कि आज इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो सीएनआर का विरोध कर रहे हैं और जो वर्दी पहन करके इस देश की सेवा कर रहे हैं, वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा, इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीश मुरलीधर का तबादला किया गया, तय प्रक्रिया का पालन किया गया। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया बहुत ही स्थापित है। इस मामले में 12 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में दिल्ली के एक न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश और दो अन्य के स्थानांतरण की अनुशंसा की थी और प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरण की अनुशंसा के साथ साथ उनकी सहमति भी ली जाती है, कंसेंट, और जहां वो जाते हैं वहां के मुख्य न्यायाधीश की सहमति ली जाती है। तो उसके आधार पर यह निर्णय हुआ और किसी केस की सुनवाई से इसका कोई संबंध नहीं है, उसके पहले ही अनुशंसा थी और सहमति थी। तो मेरे ख्याल में इसको ध्यान रखना चाहिए और इसी प्रक्रिया के अनुपालन में दर्जनों माननीय न्यायाधीशों का स्थानांतरण हुआ है। दिल्ली में जो हिंसा हुई उसका जिम्मेदार कौन है ये जल्द ही साबित हो जाएगा, पर नेता जिन पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा होता है वह मुसीबत के वक्त काम नहीं आते। हम अपील करते हैं कि सरकार दंगा पीड़ितों की मदद करे और लोगों के सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.